कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है। जोधपुर के आंगनवा क्षेत्र में बने क्वारंटाइन सेंटर से 3 युवकों के देर रात भागने की सूचना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सूचना के बाद तलाश शुरू की। ग्रामीणों की मदद से सुबह तीनों संदिग्धों को पकड़ा जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने भागने वाले तीनों को ही कोरोना संदिग्ध के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। क्वारंटाइन का समय खत्म होने के बाद उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है और उनसे पूछताछ की जा सकती है। क्वारंटाइन सेंटर से भागने वाले तीनों संदिग्ध जमात से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। 2 मुंबई के रहने वाले हैं तो 1 जोधपुर का रहने वाला है। जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना में संचालित क्वारंटाइन वेलनेस सेंटर के अंदर यहाँ लगभग 350 से लेकर 400 लोगों को क्वारंटाइन कर रखा है। 9 अप्रैल की रात्रि को 3 शख्स वहाँ से क्वारंटाइन किए गए लोग वहाँ से फरार हो गए थे। इसकी सूचना पर पुलिस तुरंत पहुँची और ग्रामीणजनों की सहायता से हमने तीनों व्यक्तियों को वहाँ इनको दस्तयाब कर वापस पूर्ण क्वारंटाइन सेंटर में लाया गया। जोधपुर से खबर आपको बता रहे हैं। 3 लोग ऐसे जिनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा था चकमा देकर वहां से फरार हो गए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जोधपुर से दयाल सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दयाल, 3 लोग क्वारंटाइन सेंटर से फरार हो जाते हैं, पुलिस उनको पकड़ के लाती है, क्या है पूरा मामला? देखिए, बताना चाहूंगा कि ये जो 3 दिन पहले क्वारंटाइन सेंटर से फरार हो गए थे, तीनों तबलीगी जमात से जुड़े व्यक्ति थे। यहाँ जो आंगनवा में जो जोधपुर जिला प्रशासन ने बना रखा है, यहाँ इनको रखा गया था। यहाँ से ये रात के समय बाहर चले जाते हैं, निकल जाते हैं, और ऐसे में जब सूचना मिलती है पुलिस आती है मंडोर थाना से और इनको क्या किसी प्रकार का पहरा बंदोबस्त नहीं है क्या पुलिस का वहाँ पर? बिल्कुल पूरा बंदोबस्त है, लेकिन पीछे जो दीवार है वो फांद कर ये लोग फरार हुए थे। जैसा कि FIR में भी साफ लिखा गया है, FIR में लिखा गया है कि जो 7-8 फुट की दीवार है उसे फांद कर ये जो बाहर निकले थे, और उसके बाद जब पता चला कि यहाँ से 3 लोग फरार हुए हैं तो प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी और फिर पुलिस ने इनको ग्रामीणों की सहायता से ढूंढ कर लाके फिर वापस क्वारंटाइन सेंटर में। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे जोधपुर संवाददाता दयाल सिंह, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी कि 3 लोग फरार हो गए थे जिनको पुलिस ने पकड़ लिया है।